और ये आवाज़ ये आप सुन रहे हैं, यहाँ पे हमारे घर में फाख्ताएँ हैं। फाख्ता इंग्लिश में बोले तो पेगन्स, वो भी देख ले, आपको भी दिखाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मुलाकात बहुत टाइम बाद हो रही है, तकरीबन 11-12 दिन हो चुके होंगे। तो इसका मतलब यह है कि मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो पहला काम ये करना है और दूसरा जो है डॉक्टर के पास जाना है। कज़न बीमार है और उसको डॉक्टर लेकर जाते हैं, तो आज का ये काम है। और अभी टाइम है 1:30, मैं जा रहा हूँ टाउन। वहाँ पे मैंने एडवोकेट पे एक मैप बनाया है स्कीम, तो उसको प्रिंट करवाना है। एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम पेपर के दौरान सबमिट करना है उसको। सुबह का शुरुआत बहुत लेट हो चुका था। गाड़ी ख़राब थी तो सबसे पहले गाड़ी ठीक कर ली। उसके बाद खाने का टाइम था, खाना भी तो खाना है। बिजली चली गई भी। खाना खाते वक्त जब बिजली चली जाए तो आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं ना, खाना खाते हो। तो मैंने भी वो किया। और अभी चलते हैं टाउन, तकरीबन 15 मिनट कम 3 बजे हो गए हैं, तो जल्दी से काम निपटाते हैं। जल्दी से प्रिंट करते हैं। प्रिंट के बाद मूंगफलियों की तलाश थी। अभी पूरा काम खत्म कर दिया और घर जा रहे हैं। अभी जो है आ चुके हैं घर, तो जल्दी से इस प्रिंट को आपके साथ शेयर करते हैं कि ये किस तरह है। दोनों काम निपटा दिए गए, तो अभी जल्दी से इसको आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह प्रिंट मैंने बनाया है। तो अभी आ चुके हैं छत पे, तो मैं वो चीज़ आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी प्रिंट करवाई है। तो चीज़ वो ये है। और इसमें ज़्यादा हेल्प जो है काशिफ भाई ने किया है, तो थैंक यू काशिफ भाई, अगर आप ये देख रहे हैं तो शुक्रिया। मैं ख़रीद लेता हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए। आप खाएंगे? आप कैसे खाएंगे? अभी मार्केट से 2 मील पैक ख़रीद लिए हैं, तो आप गाजर का हलवा बनाते हैं। चुका है 7:19, तो अभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा स्टडी करता हूँ और जितने भी असाइनमेंट्स वगैरह हो उसको फिनिश करता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम।